गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आन इंस्टीट्यूट से मोनिका जोशी हिंदी व्याख्याता। मैंने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि अपना पद परिचय चल रहा है, अपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों का अपन ने पद परिचय कर लिया, उसी क्रम में आज अपन चलेंगे क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय, अपन को क्रिया का जब पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले अपन को सकर्मक और अकर्मक, ये दोनों क्रियाएं देखनी होगी। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जो होती है उसमें कर्म की जरूरत पड़ती है, और अकर्मक जो होती है उसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे राम आम खाता है। अगला अपन को यहाँ रेखांकित करेगा कि ये किस प्रकार की क्रिया है, तो अपन को इसमें बताना है कि ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया ये है खाना और राम इसका कर्ता है और कर्म है इसका आम खाना, तो इस आम के बिना ये क्रिया संपूर्ण नहीं हो रही, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसका हम पद परिचय करेंगे तो खाता को नीचे लेके आएंगे और फिर सकर्मक लिख देंगे। फिर देखेंगे अपन काल। काल जो है वो कैसे पता चलता है कि ये वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल, इनसे हम अनुमान लगा लेंगे कि ये कौन सा काल है, तो हम उसका काल भी लिख देंगे। अकर्मक जो होता है उसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे राम सोता है। राम सोता है, सोना इसकी क्रिया है, इसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो अपन इसको नीचे लेके आएंगे और अकर्मक क्रिया ता है ती है ते है वर्तमान काल में आते हैं, तो अपन वर्तमान काल लिख देंगे। ऐसे उसका पद परिचय करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्रियाओं के दूसरे प्रकार जो प्रयोग व रचना के आधार पर होते हैं उनको भी पूछ लिया जाता है, तो हम उनको देखेंगे। एक तो होती है उसमें प्रेरणार्थक, एक होती है पूर्वकालिक। अपन इनकी पहचान समझ रखेंगे कि कब कैसे आए, तो अपन को कैसे ध्यान में रखना है। प्रेरणार्थक शब्द जो होता है उसमें ऐसे शब्द आने चाहिए, कटवाना, पढ़वाना या लिखवाया, पढ़वाया, ऐसे शब्द जो आएंगे वो हमेशा प्रेरणार्थक। और वाक्य जो आए उसमें कर्ता स्वयं तो उस काम को करता नहीं है और अपनी प्रेरणा से अन्य किसी से ये कार्य करवा देता है। फिर होती है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक जो होती है उसमें हमेशा कर्ता जो होता है वह एक क्रिया को तो समाप्त कर देता है और दूसरी क्रिया को तुरंत ही प्रारंभ कर लेता है। उसको देखने के लिए हम देखेंगे आगे क्रिया के आगे कर शब्द लगा हुआ मिलेगा, जैसे जाकर, पीकर, खाकर, ऐसे शब्द यदि हमको यहाँ क्रिया में मिल जाते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्रिया का जो है, क्रिया को सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक देखेंगे। सकर्मक और अकर्मक नहीं है, उसके बाद में अपन प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक देखेंगे। ऐसे क्रिया का पद परिचय हो जाएगा। क्रिया के बाद में आ जाते हैं क्रिया का विशेषण। क्रिया विशेषण आती है, कभी कभी क्रिया की भी विशेषता बता दी जाती है, तो हम उसे बोलेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द हैं उनका अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो आता है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जैसे धीरे, तेज, जोर से, ऐसे शब्द आए, जैसे ये क्रिया के साथ आने चाहिए, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। अब ये दौड़ना क्रिया है और तेज इसके साथ लगा है, ये तेज जो है वो है क्रिया विशेषण, अर्थात ये क्रिया की ही अपन को विशेषता बता रहा है, तो अपन को पद परिचय में ऐसे शब्द पर रेखांकित आ जाए तो अपन को लिखना है कि ये क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से यदि तेज आ जाए, जोर आ जाए, जैसे घोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो ये अपन धीरे धीरे शब्द आते ही अपन कर देंगे कि ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी के अंतर्गत जैसे स्थानवाचक भी आते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं वो स्थानवाचक भी आएंगे। स्थान में जैसे आगे, पीछे, ऊपर,
नीचे, ऐसे शब्द यदि आपको वहां पर मिल जाते हैं तो आपको करना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से यदि अपन को आ जाए कि जैसे कोई शब्द है अपना कि समय का बता दे कि समय वाचक है, तो कल, आज, ऐसे शब्द अपन के आ जाते हैं तो अपन को देखना है कि वह हमेशा किसमें जाएंगे, समय वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएंगे, समयवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। उसी प्रकार से यदि ऐसा शब्द आ जाए अतः, इसलिए, इस प्रकार, तो ये किसके अंतर्गत जाएंगे, कारणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। जैसे ऐसा शब्द आ जाए इस प्रकार, ऐसे पर रेखांकित कर दे, इसलिए पर रेखांकित कर दे या अतः पर रेखांकित कर दे, तो ये शब्द जो है वो हमेशा अपने जाएंगे कारणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। इसी कर्म में यदि हम देखें तो एक जो होता है कारण के बाद में जैसे कोई नकारात्मक शब्द आ जाए, जैसे अपन को वहां पर लिखा हुआ मिल जाए या तो नहीं या मत, ऐसे शब्द यदि अपन को मिल जाते हैं तो वो निषेधवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसी कर्म में यदि कोई प्रश्न के आगे ही, क्रिया के आगे ही प्रश्न बना हुआ निकल जाए तो वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ही हम शब्द कहें क्यों, कब, ऐसे अपन को रेखांकित करे हुए शब्द मिल जाते हैं तो वो हमेशा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। कभी कभी ये न पूछ कर, जैसे अपन ये पूछा उसके बाद में अपन को क्रिया के आगे भी एक शब्द लगा हुआ आ जाए, जैसे शब्द आ जाए कि घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। अब ये सबसे शब्द आ गया तो क्रिया तो क्या है, दौड़ना, तेज उसका क्या है, पर सॉरी क्रिया विशेषण, और उसकी भी विशेषता बता दे तो वो शब्द हमेशा क्या होता है, प्रक्रिया विशेषण। उसको अपन रेखांकित जब किया जाता है तो उसको अपन ये लिख कर आएंगे कि ये प्रक्रिया विशेषण है। ऐसे ही कोई शब्द है, जैसे विशेषण का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो मैं ऐसे बोलूं कि राम सुंदर लड़का है, इसकी जगह मैं ये बोलूं कि राम सबसे सुंदर है। अब सबसे सुंदर तो उसका विशेषण हो गया, सबसे का मतलब वो सबसे विशेषण है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पर विशेषण शब्द लिखे जाएंगे, ये पर विशेषण शब्द लिखे जाएंगे। ऐसे ही यदि अपन को ऐसे आ जाए कि गांव के पीछे उपवन है, अब ये पीछे शब्द लिखा हुआ आ गया तो ये पीछे क्या है, ये है संबंधवाचक, आगे पीछे, ये शब्द क्या है, संबंधवाचक। वाक्य को देखकर भी इसका आंकलन किया जाता है कि ये कौन सा शब्द है, तो अपन को मान लिख कर आना है संबंधवाचक। इस प्रकार से अपन को क्रिया का पद परिचय करना है, और इसमें क्रिया विशेषण भी आ गई है और क्रिया भी आ गई है, ये सारी उसकी पद परिचय है, इस प्रकार से करना है, क्योंकि पद परिचय जो होता है वो हमेशा ऐसे शब्द रेखांकित किए जाते हैं।